हेलो नमस्कार साथियों मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पी एग्जाम बाई एग्जामपुर पर तो कैसे हैं सभी सभी लोग बताएंगे कमेंट करके एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी आपके साथी हैं भाई हैं बंधु हैं मित्र हैं यार हैं उनको भी आप लोग बुला लीजिए ताकि वो भी हमारे साथ आ सकें वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें ठीक है भाई तो आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सेशन है ये जीकेजीएस का सेशन होता है ठीक है भाई ये जो हमारा सेशन है ये जीके जीएस का सेशन होता है तो इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे ठीक है इसके साथ साथ आपको सबसे पहला पॉइंट है जो समझना है जो कि पहला क्या है आप सभी को क्या करना है एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को क्या करना है डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है इंस्टॉल कर लेना है और अपनी मेल आई और मोबाइल नंबर इसमें भर देना है ठीक है भाई जब आप लोग ये करोगे तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आपको पहले नंबर पर क्या मिल जाएगा पहले नंबर पर आपको मिल जाएगा जॉब अलर्ट जॉब अलर्ट का मतलब ये है कि मतलब आपको हर वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा कब उसका एग्जाम हो रहा है कब फॉर्म फिल हो रहे हैं कब एडमिट कार्ड आ रहा है है ना किसमें कितनी वैकेंसी है उसकी क्या मतलब एज क्राइटेरिया है क्या उसकी इलिजिबिलिटी है ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहां पे दूसरे पॉइंट में आपको क्या मिलेगा आपको पेड कोर्सेज का स्ट्रक्चर मिलेगा कौन सा पेड कोर्स किस वैकेंसी के लिए चल रहा है उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसकी फीस कितनी है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ठीक है भाई तीसरे पॉइंट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ऑल पीडीएफ मिल जाएंगी ऑल कोर्सेज की फ्री पीडीएफ मिलेंगी जितने भी एग्जामपुर पर कोर्स चल रहे हैं चाहे वो बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर पर हो या हरियाणा एग्जाम बाई एग्जामपुर पर हो या आपका एम पी एग्जाम वाई एग्जामपुर पर हो हर एक चैनल की जो पीडीएफ है आपको कहाँ पर मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी इसके बाद अगला पॉइंट यह है कि आपको यहां पे क्या मिलेगा अनलिमिटेड क्विजेज मिलेंगे क्या मिलेंगे अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पेपर वाइज बहुत सारी क्विजे मिल जाएंगी यहां पे आपको क्या मिल जाएंगी फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा ऑल इंडिया स्कॉलर टेस्ट के बारे में भी आपको मिल जाएगा भाई अपडेट ठीक है भाई तो इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट यह है कि जो आपका उड़ान बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं किसकी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आर ओ आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीएस स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बैच चलाया गया है उड़ान बैच बहुत अच्छा बैच है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं कोई आपका साथी भाई बंधु मित्र यार ऐसा हो जो यूपीपीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीईटी की तैयारी के लिए ये एक रुपए में मास्टर टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जिसमें आपको क्या मिलता है जिसमें आपको पूरे की पूरे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं कोई ऐसा आपका साथी है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं बीपीएससी के लिए बहुत ही शानदार बैच चलाया गया है कौन सा नालंदा बैच चलाया गया है उन्नीस में इसमें आपको प्री प्लस मेन्स की तैयारी करवाई जाएगी प्री, प्री प्लस मेन्स की तैयारी करवाई जाएगी आगे बढ़ते हैं तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है भाई जीके जीएस का सेशन है किसका जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का सेशन है इस सेशन को हम लोग रोज ही करते हैं और आज के सेशन में हमने क्या रखे हैं भाई मिक्स अप क्वेश्चन रखे हैं क्या रखे हैं मिक्स अप क्वेश्चन रखे हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और आपका आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन रखे हैं और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे एक क्वेश्चन समझेंगे और एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे चर्चा करेंगे ठीक है भाई तो चर्चा का विषय होगा चर्चा पर चर्चा परिचर्चा होगी वॉइस नहीं आ रही है रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो चर्चा करेंगे, तो तो चर्चा चर्चा पर, चर्चा करेंगे, ठीक है भाई? का विषय होगा, परिचर्चा होगी आवाज आ तो रही है भाई चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है आप लोग क्या करें भाई इसका आंसर करें ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है आप लोग क्या करें इसका आंसर करें अंतिम पृथ्वी रियो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था यह आपको क्या करना है बताना है अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था क्योटो या रियो डी रियो डी जेनेरियो में या फिर दोहा में या फिर आपका कहाँ पे जोहान्स वर्ग में जो जोहान्स वर्ग है ये कहाँ पे पड़ता है साउथ अफ्रीका में पड़ता है जो दोहा है ये आपको कहाँ पे पड़ता है कतर में पड़ता है जो रियो डी रियोडीजेनेरी हो ये कहाँ पे पड़ता है ब्राजील में पड़ता है कहाँ पे ब्राजील में पड़ता है जो क्योटो है ये आपको कहाँ पे जापान में पड़ता है कहाँ पे जापान में पड़ता है ठीक है भाई ये भी आपको क्या करना है नोट करना है तो अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हमसे ये पूछा गया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछा गया है तो आप लोग क्या बता देंगे रियोडी जेनेरियो में क्या हो जाएगा रियोडी जेनेरियो में क्या हो जाएगा आपका अंतिम शिखर सम्मेलन हो जाएगा अंतिम शिखर सम्मेलन हो जाएगा जो कि आपका कब आयोजित किया गया था दो में आयोजित किया गया था ठीक है भाई और ये कहां पे ब्राजील के रियोडी जेनेरियो में आयोजित किया गया था आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग क्या बताओगे कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है भाई आपका कब 22 अप्रैल को कब अप्रैल को 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं अप्रैल को 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं पृथ्वी दिवस मनाते हैं दैट इज क्लियर ठीक है भाई तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था आपका 2012 में हुआ था तीसरा सम्मेलन हुआ था और रियो डी जेनेरियो में हुआ था कहां पे हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये भी आपको क्या करना है नोट करना है समझ गए बात को ठीक है भाई यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था प्रथम सम्मेलन कब हुआ था तो आप लोग क्या बताओगे कि पृथ्वी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था आपका वो उन्नीस सौ बानवे में हुआ था कब हुआ था उन्नीस सौ बानवे में हुआ था जो दूसरा सम्मेलन है वो कब होता है पृथ्वी का दूसरा सम्मेलन होता है वो कब होता है तो आप कहोगे पृथ्वी का जो दूसरा सम्मेलन होता है वो दो हजार दो में होता है कब दो हजार दो में होता है और पृथ्वी का जो तीसरा सम्मेलन होता है जो तीसरा सम्मेलन होता है वही तो हमसे पूछा गया है दो हजार बारह का और ये कहां पे हुआ था रियोडीजे रियो में हुआ था तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई बी लगाओगे देखो जैसे कि हम आपको बताते हैं आ जाओ जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पृथ्वी का जो आपका प्रथम सम्मेलन है वो कब हुआ था ये पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा और ये कहाँ पे हुआ था आपका ब्राजील में हुआ था कब कहाँ पे हुआ था ब्राजील में हुआ था है ना तो ये कब हुआ था उन्नीस में हुआ था ये आपका क्या हो जाएगा प्रथम सम्मेलन हो जाएगा ठीक है भाई जो पृथ्वी का दूसरा सम्मेलन है वो आपका कब होता है तो वो आपका 2002 में होता है और ये कहां पे होता है दक्षिण अफ्रीका में होता है ये क्या हो जाएगा दूसरा सम्मेलन हो जाएगा क्या हो जाएगा दूसरा सम्मेलन हो जाएगा लेकिन तीसरा सम्मेलन कौन सा हो जाएगा वो दो में होता है और ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होता है तो ये क्या हो जाएगा तीसरा सम्मेलन हो जाएगा क्या हो जाएगा तीसरा सम्मेलन हो जाएगा कब दो

तो 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं तो 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता डे कब मनाते हैं तो 22 मई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता डे मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं तो पांच जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं और विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग ग्यारह जुलाई को मनाते हैं और विश्व प्राकृतिक दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो तीन अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं तो चौदह नवंबर को मनाते हैं ये पॉइंट बहुत ज्यादा आपके इंपोर्टेंट है किससे संबंधित पर्यावरण से संबंधित ठीक है भाई इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस आविष्कारक को दिया जाता है तो वो किसको दिया जाता है ये आपको बताना है अब ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं एटीएम बोलते हैं क्या बोलते हैं एटीएम बोलते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एम का एम का पहला ए टी पे खोला गया था एम का पहला ए टी पे खोला गया था तो इंदौर में खोला गया था कहाँ पे इंदौर में खोला गया था इंदौर को कहा जाता है एम पी एम पी का एम की मुंबई या इसी को मिनी मुंबई कहा जाता है क्या कहा जाता है मिनी मुंबई कहा जाता है यह भी आपको क्या करना है नोट करना है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका भाई इसको ये इसका आविष्कारक का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है कहीं ना कहीं जॉन सेफ सेफर्ड वेरन को जाता है किसको जॉन सेफर्ड वेरन को जाता है ये भी आपको नोट करना है ये पहले इनका जन्म हुआ था भारत में लेकिन ये कहाँ पे स्कॉटलैंड में रहने लगे थे स्कॉटलैंड में रहने लगे थे ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ये स्कॉटलैंड में रहने लगे थे दैट इज क्लियर बहुत बढ़िया शासन को आप लोग शेयर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का पैकेज हिस्सा नहीं है तो नोट करना, करना है अब बात ये आती है, कि जब नहीं है तो क्या क्या है एक्सेल है और वन नोट है और क्या है आउटलुक है ये क्या हो जाएंगे 2019 के माइक्रोसॉफ्ट के हिस्सा हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट दो ये पार्ट ये है भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट आपका स्काई ड्राइव और ये आपका पब्लिशर हो जाएगा ये आपका वन नोट हो जाएगा ये क्या हो जाएंगे ये माइक्रोसॉफ्ट 2019 के पार्ट हो जाएंगे ठीक है भाई नेक्स्ट वेसिका कम्पे कंपेस्ट्रेस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वेशिका, वेशिका किस पौधे का वनस्पतिक नाम है मक्का का है मटर का है या गेहूं का है या फिर किसका है सरसों का है तो आप लोग क्या कहोगे सरसों का है किसका है सरसों बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब आप कहोगे और भी हमें भाई पौधों के नाम बताओ कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है या किस पौधे का नाम क्या है तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं मक्के का भाई वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा जिया मेज क्या हो जाएगा जिया मेज गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टाइवम क्या हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टाइवम चना का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा साइसर और आपका एरिटिनस क्या हो जाएगा साइसर एरिस्टिनस क्या हो जाएगा चने का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इसी प्रकार आलू का पढ़ेंगे इसी प्रकार गन्ने का पढ़ेंगे जौ का पढ़ेंगे मिर्च का पढ़ेंगे प्याज का पढ़ेंगे बाजरा का पढ़ेंगे और आपका सेब का पढ़ेंगे और आपका भिंडी का पढ़ेंगे लेकिन आप कहोगे सर जी इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा मक्के का पूछा जाता है किसका मक्के का और उसके बाद गेहूं का पूछा जाता है गेहूं के बाद गन्ने का पूछा जाता है किसका गन्ने का भाई वैज्ञानिक नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये तीन तो आपके पूछे ही जाते हैं बहुत ज्यादा ठीक है बहुत बढ़िया एकदम शानदार तो सभी लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर करते जाइए सभी लोग सेशन को क्या करते जाइए शेयर करते जाइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो देखो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वन टू ये क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मिंट टू क्या है आपका मिंट आपका क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन जो टैली है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो टैली है ये आपका एक प्रोग्राम है क्या है प्रोग्राम है ये क्या है एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं वर्क करते हैं क्या करते हैं जिसके द्वारा हम लोग वर्क करते हैं ठीक है भाई ये क्या है दैट इज इज अ प्रोग्राम इसके द्वारा हम लोग वर्क करते हैं वर्कशीट वगैरह बनाते हैं तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी एल डी आ जाएगा पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त हो रही है क्या हो रही है लुप्त प्राय हो रही है ये आपको बताना है तो पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति हो जाएगी जो लुप्त हो रही है तो आप कहोगे ग्रेट ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, ग्रेट वस्टर्ड। क्या हो रही है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ये क्या हो जाएंगे ये इस पर यह आपके पक्षी हो जाते हैं जिनका क्या नाम है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ये क्या हो रहे हैं बहुत तेजी से लुप्त हो रहे हैं ठीक है भाई बकाया कोयल मोर और आपका कुआ ये तो आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं बकाया ये पक्षी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं नेक्स्ट हाइग्रोमीटर से

और वोलोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं द्रव के सापेक्षित घनत्व मापते हैं और ऑडियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं ध्वनि की तीव्रता मापते हैं कि कितनी तेजी से ध्वनि हो रही है और कार्डियोग्राम से हम लोग क्या मापते हैं हृदय की गति मापते हैं यानी हृदय हृदय के के अध्ययन अध्ययन की, अध्य की गति को हम लोग करते हैं किससे कार्डियोग्राम कार्डियोग्राम से करते हैं हृदय का अध्ययन करते हैं ठीक है भाई बहुत बढ़िया एकदम शानदार हृदय की गति का अध्ययन करते हैं बहुत बढ़िया एकदम शानदार तो इनको भी आपको नोट करना है नेक्स्ट लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है ये वो क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हैं ये वो क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए हैं लेड लेड को हम लोग किससे किससे प्रदर्शित करते हैं पीबी से प्रदर्शित करते हैं लेड का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है वो 82 है लेकिन परमाणु भार कितना है तो 207 इसका परमाणु भार है और बयासी क्या है इसका परमाणु क्रमांक है इसको हम लोग पीवी से प्रदर्शित करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा क्या आ जाएगा ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपके कुछ तत्व लिखे हैं उनके क्या लिखे गए प्रतीक चिन्ह भी लिखे हैं जो कि आपको क्या करना है नोट कर लेना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार आगे बढ़ते हैं बकाया तो आवास सारणी आपने पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दिशा में संरेखित होता है तो एक जब मुक्त रूप से चुंबक को लटकाया जाता है तो वो किस दिशा को संरेखित करता है वह नॉर्थ और साउथ को संरेखित करता है जैसे कि हमने एक मुक्त रूप से यहाँ पे चुंबक लटका दी ये हमारा हमने माना चुंबक है ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये इसका साउथ पोल हो जाएगा हम इसको कहीं पर भी घुमा के छोड़ दें इसको हम कहीं पर भी घुमा के छोड़ दें लेकिन ये जब रुकेगा तो ये नॉर्थ का नॉर्थ में पहुंच जाएगा और साउथ का साउथ में पहुंच जाएगा ये चुंबक की क्या है खास है ये चुम्बक की क्या है भाई खासियत है समझ गए बात को अब जब चुंबक की खासियत है तो जैसे हमने माना कि ये हमारी क्या हो जाएगी एक चुंबक हो जाएगी ये उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा ये साउथ पोल हो जाएगा तो एक चुंबक में कितने पोल होते हैं दो पोल होते हैं ये भी आपको क्या करना है नोट करना है एक तो नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल तो चुंबक की जो बल रेखाएं है, निकलती हैं वो कहां से कहां की ओर निकलती हैं नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती हैं कहां से नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती है और ये बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं ये बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काट सकते हैं ये इनकी क्वालिटी होती है अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो है होती है, जो 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 चुंबकीय चुंबकीय बल बल रेखाएं रेखाएं होती होती है, हैं 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 ये आपस में तो नहीं काटती और चुंबक के ध्रुव होते हैं वो कितने होते हैं दो होते हैं तो चुंबक के कौन कौन से ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं तो चुंबक के असमान ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित होते हैं ये भी आपको नोट कर लेना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार तो आंसर क्या लगाओगे डी लगाओगे नेक्स्ट राना राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है तो आप तुरंत बताओगे कि किस जीव का का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम नाम है मनुष्य क्या हो जाएगा तो आप कहोगे भाई होमोश्य होमोशैपियंस हो जाएगा क्या हो जाएगा होमोशैपियंस क्या हो जाएगा होमोशैपियंस रााना टिग्री होमोशैपियंस मनुष्य का भाई नाम हो जाएगा वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लेकिन एशियाई जो मेडक होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा राना

राष्ट्रीय समुद्र राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है यह आपको बताना है राष्ट्रीय समुद्र संस्थान विज्ञान का मुख्यालय कहां स्थित है तो यह आपका विशाखापट्टनम में है या बेंगलोर में है या चेन्नई में है या फिर कहां पे है गोवा में है तो आंसर क्या लगाओगे गोवा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई और गोवा हमारे भारत का क्या है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि हमने देखा कि गोवा में हमारा क्या है संस्थान है तो आपके और भी कुछ संस्थान है जो आपको नोट करना है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहां पे है कलकत्ता में है भारतीय भारतीय वनस्पतिक संस्थान कहां पे है लखनऊ में है अब ये क्या है सर्वेक्षण संस्थान है ये क्या है सर्वेक्षण संस्थान है ये क्या है शोध संस्थान है शोध संस्थान लखनऊ में सर्वेक्षण संस्थान कहां पे कलकत्ता में भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में भारतीय अनुसंधान कहां पे मुंबई में तो इन पॉइंटों को आपको नोट करते जाना है ठीक है भाई

जो डी है ये हमारे भारत का ही एक क्या है एक रक्षा अनुसंधान है क्या है रक्षा अनुसंधान है इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका भाई मोटो क्या है इसका जो मोटो यानी जो वाक्य है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है लेकिन इसका हिंदी में जब वर्जन निकल निकला है तो वो ये है? स्ट्रेंथ इन साइंस ये आपका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप कहोगे उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कहां पे न्यू डेली में इसका क्या हो जाएगा हेडक्वार्टर हो जाएगा ये भी आपको क्या करना है नोट करना है तो नई दिल्ली में क्या हो जाएगा भाई पूछा जाए कि इसके हेड तो है। है समीर? समीर हो, हो जाएंगे अब बात आती है इन्होंने इसने क्या बनाया था एक अस्त्र मिसाइल बनाया था क्या अस्त्र मिसाइल बनाया था जो अस्त्र मिसाइल है ये किससे संबंधित है तो ये वायु टू वायु वार करने वाला है क्या वायु टू वायु वार करने वाला है आंसर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा ये देखो ये जो पृथ्वी मिसाइल है ये मिसाइल है वो मिसाइल है जो किसने डीआईडीओ ने डेवलप की हैं जो पृथ्वी है ये क्या है ये सतह से हवा पे मार करने वाली है ये सतह से हवा पे मार करने वाली है जो त्रिशूल है ये सतह से हवा पे मार करने वाली है जो अग्नि है ये सतह से सतह पर मार करने वाली है ये आकाश है ये सतह से हवा में मार करने वाली है जो शौर्य है ये सतह से सतह पे मार करने वाली है लेकिन जो अस्त्र है ये वायु टू वायु मार करने वाली है यानी हवा से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है जिसका निर्माण किसने किया डीआरडीओ ने किया किसने डीआरडीओ ने किया बहुत बढ़िया हमसे वायु टू वायु पूछा गया हवा से हवा पूछा गया तो हमने बता दिया आसानी से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से आप लोग करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन है इसका आपको क्या बताना है आंसर बताना है तो जल्दी से आप लोग क्या बताएं भाई आंसर बताएं बहुत बढ़िया एकदम शानदार तो अनुज कुमार जी रूबी जी है ना और जालम जी है कि जायलम है आर जी बहुत बढ़िया सनाया खान सोनू जी बहुत बढ़िया साक्षी जी चलो जी तो देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी भारत की क्या थी सबसे बड़ी पार्टी थी और इसकी स्थापना हुई थी कब 28 दिसंबर को हुई थी कब हुई थी 28 दिसंबर अट्ठारह में इसकी क्या होती है स्थापना होती है कहाँ पर बंबई में होती है और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होती है जब इसकी स्थापना होती है तो बहत्तर लोग टोटल इकत्ती इकट्ठे होते हैं और इनमें से सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो होता है डब्लू बनर्जी जब डब्ल्यू बनर्जी बूढ़ा व्यक्ति होता है और इसको पहला अध्यक्ष बनाया जाता है तो, 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 तो ही क्या कहलाते हैं संस्थापक अध्यक्ष कहलाते हैं संस्थापक नहीं कहलाएंगे संस्थापक अध्यक्ष कहलाएंगे आंसर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस के संस्थापक कौन थे संस्थापक कौन थे तो आप लोग क्या कहोगे इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम थे ह्यूम थे ए ओ ह्यूम को हम लोग एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं और इनको हम लोग हारमेट ऑप शिमिला के नाम से भी जानते हैं हरमेट ऑप शिमिला के नाम से भी जानते हैं ये कहाँ के थे स्कॉटलैंड के थे कहाँ के स्कॉटलैंड के थे ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ये स्कॉटलैंड के थे इन्होंने अठारह में क्या किया था लोकमित्र नाम की पत्रिका जारी की थी लोक मित्र लोकमित्र नाम की क्या की थी पत्रिका जारी की थी ये भी आपको क्या करना है नोट करना है

नाथ ने और किसने भूपेंद्र नाथ ने किसने भूपेंद्र नाथ ने भूपेंद्र नाथ ने ये जो दो लोग हैं इन लोगों ने क्या करवाया था इस पत्रिका का प्रचालन करवाया था भारत में ही ठीक है तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग लगाओगे 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 क्या नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे इसका आंसर करेंगे जो बुलंद दरवाजा है वह किस शहर में स्थित है बहुत बढ़िया अरविंद कुमार जी बहुत बढ़िया और जी बहुत बढ़िया है ना आकाश जी कीर्ति जी कार्तिक जी बहुत बढ़िया सनाया खान बहुत बढ़िया चलो जी तो हम लोग समझते हैं सारी चीजों को बुलंद दरवाजा ये आपका कब बनाया गया था इसको 1602 में बनाया गया था किस विजय पर बनवाया गया था इसको किस विजय पर बनवाया गया था इसको विजय पर बनवाया था? था? था इसको तो अकबर ने बनवाया था किसने अकबर ने अकबर ने बनवाया था अब जब अकबर ने गुजरात विजय की थी तो गुजरात के किस राजा को हराया था गुजरात का राजा था उस टाइम पे मुजफ्फर शाह थर्ड मुजफ्फर मुजफ्फर शाह थर्ड मुजफ्फर शाह थर्ड क्या था वहां का राजा था और इस राजा को जब हराया था अकबर ने तो अकबर ने क्या करवाया था अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था सोलह सौ दो में और कहाँ पे करवाया था फतेहपुर सीकरी में करवाया था कहाँ पे फतेहपुर सीकरी में करवाया था यहीं पर क्या है बीरभर महल है यहीं पर रानी मतलब उज्ज्या की क्या है यहाँ पे महल है और यहाँ पे क्या है पंचमहल भी स्थित है ये भी आपको नोट करना है फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी पंद्रह सौ इकहत्तर में कब पंद्रह सौ इकहत्तर में और फतेहपुर सीकरी को फिर उसने बाद में क्या बनाया कैपिटल भी बनाया तो कब बनाया पंद्रह में फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया कैपिटल भी बनाया ठीक है भाई बहुत बढ़िया किसने अकबर ने किसने अकबर ने आगे बढ़ते हैं राइट आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा आंसर क्या लगाओगे ए लगाओगे नेक्स्ट तो देखो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई यहां से अकबर से संबंधित कि द्वारा ने पंद्रह था था को, को कब समाप्त करवाया तो पंद्रह में तीर्थ यात्रा को समाप्त करवा दिया कर को कब समाप्त करवा करवाया तो पंद्रह में जजिया कर को समाप्त करवा दिया फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई फतेहपुर सीकरी की स्थापना उन्नीस में गई और उन्नीस में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बना दिया और इबादत खाने की स्थापना कब हो गई तो भाई पंद्रह में क्या हो गई इबादत खाने की स्थापना हो गई पंद्रह है पंद्रह 1500 हमें लगता है हमने 1900 बोल दिया तो उन्नीस नहीं पंद्रह मजहर की घोषणा कब हो जाएगी हो जाएगी तो आपका पंद्रह में मजहर की घोषणा हो जाएगी और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हो जाएगी तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हो जाएगी पंद्रह में हो जाएगी और इलाही सम्मत को कब चलवाया यानी इलाही कैलेंडर को कब चलवाया तो भाई पंद्रह में इलाही कैलेंडर भी चलवाया ये वो काम हो जाएंगे जो अकबर के हमसे पूछे ही जाते हैं ये वो काम हो जाएंगे जो अकबर के हमसे पूछे ही जाते हैं इनको नोट कर लेना नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा दर्जा प्राप्त नहीं है। तो भारत की अनुसूचित भाषा का जो दर्जा प्राप्त नहीं है वो किसको है गढ़वाली को है और ये कहां पे बोली जाती है ये उत्तराखंड में बोली जाती है कहां पे उत्तराखंड में बोली जाती है ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ठीक है भाई ये भी आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे ठीक है आंसर क्या आ जाएगा आपका डी राइट आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन तो पहले कितनी भाई चौदह भाषाएं थी लेकिन आठ भाषाओं को और जोड़ा गया तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई बाईस भाषाएं हो गई तो इन भाषाओं का वर्णन कहां पे दिया गया है आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी टोटल कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं और ये आपकी क्या हो जाएंगी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनका वर्णन कहाँ पे मिलता है हमारे संविधान में मिलता है क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई थी तो आप कहोगे सिंधी भाषा जोड़ी गई थी कौन सी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और तो फिर दूसरी और तीसरी और चौथी कौन सी भाषा जोड़ी तो मतलब हम आपको बता देते हैं मैथिली और नमक से आप लोग याद रख लो नमक नमक से आप लोग याद रख लो नेपाली मणिपुरी और कोंकली इन तीन भाषाओं को जोड़ा गया था फिर जोड़ा गया था वोडमास बोड मास जोड़ा गया था इसका क्या मतलब बोडो डोंगरी मैथिली संताली है ना बोडो डोंगरी मैथिली संथाली चार ये हो जाएंगी तीन ये और एक ये चार ये हो जाएंगी तो चार और चार प्लस चार क्या हो जाएंगी आठ भाषाओं के बाद में जोड़ा गया तब जाके हमारी भाषाएं कितनी हो जाती हैं तीस थर्टी भाषाएं हो जाती हैं बहुत बढ़िया हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही इक्कीसवा संविधान इक्कीसवा संविधान संशोधन उन्नीस आ, में होता है तब जाके सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है बिल्कुल सही बिल्कुल सही एकदम शानदार चलो जी और ये चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था इनमें से कौन सा आश्रम है जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था ये आपको बताना है तो देखो सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित किया था टोल आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित किया था पावनार आश्रम कहीं ना कहीं किसने विनोबा भावे ने स्थापित किया था किसने विनोबा भावे ने स्थापित किया था किसने विनोबा भावे ने स्थापित किया था कहाँ पे स्थापित है ये महाराष्ट्र में कहां पे महाराष्ट्र में ये भी आपको क्या करना है नोट करना है जो विनोबा भावे हैं इनके द्वारा कहीं ना कहीं इन्होंने किसका नेतृत्व किया था तो भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह का किसका व्यक्ति व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था जो कि आपका 1940 में चलाया गया था यह भी आपको नोट करना है भावे के द्वारा भूदान भूदान आंदोलन आंदोलन भी भी चलाया चलाया गया गया था था कौन सा तेलंगाना वाले पार्ट में आंदोलन आंदोलन भी चलाया गया था और यह कब चलाया गया था यह उन्नीस में चलाया गया था यह भी आपको नोट करना है ठीक है भाई तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा बकाया साबरमती आश्रम कहां पे हो जाएगा यह आपका अहमदाबाद में हो जाएगा कहां पे अहमदा अहमदा वाद में हो जाएगा है ना कहा हो जाएगा अहमदाबाद यानी गुजरात में हो जाएगा ठीक है भाई बहुत बढ़िया आज भाई साहब देख रहे हो विनोद देख रहे हो विनोद सेशन को शेयर नहीं कर रहा भाई साहब बिल्कुल नहीं कर रहा सेशन को शेयर ऐसे काम चल जाएगा विनोद बताओ भाई है आज तो भाई साहब विनोद भी, भी भाई साहब कह रहा है कि भाई साहब आज तो गजब कर दिया भाई साहब और सेशन भी लाइक भी नहीं कर रहे हैं भाई साहब सेशन को लाइक भी नहीं करना है ऐसा थोड़ी होता है बाबू है ना नेक्स्ट अल हिलाल अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था अल हिलाल जो आपका पत्र है वह किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था तो जो अल हिलाल जो पत्र है यह आपका कब चालू किया गया था यह 1912 में चालू किया गया था कब 1912 में चालू किया गया था किसके द्वारा चालू किया गया था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसको क्या किया गया था चालू किया गया था इसका उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था तो इसका उद्देश्य था मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय एकता की भावना में बांधना है ना मुस्लिम जनता को मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता की भावनाओं में बांधना राष्ट्रीय एकता की भावनाओं में बांधना यह क्या था इसका उद्देश्य था है ना तो जो कि किसके द्वारा चालू किया गया था भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहां पे चालू किया गया था ये कलकत्ता में कहां पे में चालू किया गया था ये भी आपको क्या करना है नोट करना है सही उत्तर क्या आ आ जाएगा जाएगा आपका भाई बी मौलाना अबुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे ये आपका उन्नीस से लेकर और उन्नीस तक क्या रहे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ये भी आपको क्या करना है नोट करना है ये सबसे ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सबसे ज्यादा टाइम तक ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये देखो मौलाना अबुल कलाम के बारे में कुछ चीजें हो जाएंगी कि मौलाना अबुल कलाम का जन्म कब हुआ था और मौलाना अबुल कलाम की मृत्यु कब हुई थी हालांकि ये आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा उनके जन्म और मृत्यु के बारे में ठीक है नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी यह आपको बताना है तो पश्चिम बंगाल में या आपका सिक्किम में या फिर आपका केरल में या फिर कहां त्रिपुरा में तो आंसर क्या लगाओगे रा और सत्तावन में बनाया गया था यह भी आपको क्या करना है नोट करना है यह भी आपको क्या करना है नोट करना है यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके द्वारा किसको केरल का सीएम बनाया गया था gamma, banana, दे 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 दे। तो आप कहोगे नंबूद रिपाद को किसको नंबूद रिपाद को हाँ जी बहुत बढ़िया नंबूद्रीपाद को नंबूद रिपाद नंबूद्रीपाद को नंबू रिपाद को इनको क्या बनाया गया था भाई सीएम बनाया गया था क्या बनाया गया था सीएम बनाया गया था समझ गए तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा क्या जाएगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ जी उन्नीस में, सत्तावन में उन्नीस सौ सत्तावन में उन्नीस सौ सत्तावन में फर्स्ट होता है यह भी आपको क्या करना है नोट करना है स्पूतनिक फर्स्ट विश्व का एक ऐसा उपग्रह होता है जो कि कहीं ना कहीं आपका उन्नीस में ही लॉन्च होता है रूस के द्वारा सार्क की विस्तृत रूप बताइए सार्क का विस्तृत रूप क्या है ये आपको बताना है तो जल्दी से आप लोग आ जाओ भाई सार्क का सार्क का विस्तृत रूप बताओ सार्क को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी तो उन्नीस में इसकी स्थापना की गई थी इसका जो हेडक्वाटर है वो कहाँ पे है काठमांडू में है कहाँ पे काठमांडू में इसका क्या हो जाएगा हेडक्वाटर हो जाएगा जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है जो कि नेपाल की राजधानी है किसकी नेपाल की राजधानी है ये भी आपको क्या करना है नोट करना है इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं तो आठ इसमें क्या है सदस्य देश हैं और इसका फुलफॉर्म क्या होता है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा बहुत बढ़िया एकदम शानदार बहुत बढ़िया तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग बी लगाओगे भाई क्या लगाओगे बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सार्क है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सार्क है आखिर इसमें कितने देश हैं आठ देश हैं तो कौन-कौन से देश हैं यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है यह आपको ना दिख रहा हो यह आपका क्या हो जाएगा अफगानिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा क्या हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा ठीक है भाई ये क्या हो जाएगा बांग्लादेश बांग्ला देश हो जाएगा ठीक है भाई ये क्या हो जाएगा आपका भूटान हो जाएगा क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा क्या हो जाएगा भारत तो ये चार देश तो क्या हो जाएंगे सार्क के सदस्य देश हो जाएंगे ऊपर वाले ये क्या हो जाएगा आपका मालदीव हो जाएगा मालद्वीप हो जाएगा ठीक है भाई मालद्वीप हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा नेपाल हो जाएगा क्या हो जाएगा नेपाल हो जाएगा ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा क्या हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा श्रीलंका श्रीलंका हो जाएगा ठीक है भाई तो आपने क्या देखा आपने ये देखा कि जो आठ देश हैं वो क्या हैं भाई सार्क के सदस्य देश हैं ठीक है भाई बहुत बढ़िया नोट कर लो इनको क्योंकि यहां से हमसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन का कौन सा सार्क का सदस्य देश है और कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है ठीक है नेक्स्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से आप लोग क्या करें इसका आंसर बताएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है बहुत बढ़िया भाई कह रहे हैं उन्नीस तो है। तो सौ बैंक बहुत बढ़िया की स्थापना हुई थी किसकी एस बी आई की स्थापना हुई थी एसबीआई का पुराना नाम क्या था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था ठीक है भाई अठारह में किसकी स्थापना हुई थी किसकी पी की स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी अठारह में क्या हुआ था इलाहाबाद इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी लेकिन उन्नीस में क्या हुआ था उन्नीस में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे था इसका हेडक्वार्टर है भाई आपका बंबई में कहाँ पे बंबई में है ये भी आपको नोट करना है ठीक है आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार नेक्स्ट तो प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये आपको बताना है भरतनाट्यम से या आपका कथकली से या कथक से या फिर उड़ीसी से ओडिशी डांस कहाँ का है उड़ीसा का है आप लोग जानते हैं कथक कहाँ का है तो ये आपका उत्तर भारत का है कहाँ का है नॉर्थ इंडिया का है और ये आपका यूपी का भी है कहाँ का यूपी का भी है और यूपी का रासलीला भी है रास लीला डांस भी है क्या है रासलीला भी है यूपी का नोटंकी भी है कौन सा नोटंकी नोटंकी करना है नोट करना है ठीक है भाई इसके साथ साथ बात करें किसकी की तो ये का 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 हो 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 जाएगा 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 केरल केरल और केरल का एक डांस और है जिसको हम लोग मोहिनीअट्टम के नाम से जानते हैं मोहिनीअट्टम के नाम से जानते हैं ये भी आपको क्या करना है नोट करना है मोहिनीअट्टम भी कहां का केरल का डांस हो जाएगा लेकिन जो भरतनाट्यम है ये कहां का हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा कहाँ का तमिलनाडु का हो जाएगा ये भी आप लोग क्या रखेंगे याद रखेंगे तो सही उत्तर क्या आ जाएगा भरतनाट्यम की ये जो आपकी नृत्यांगना है प्रतिभा प्रहलाद ये किस डांस की भाई नृत्यांगना हो जाएंगी <coughs> तो ये भरतनाट्यम डांस की क्या हो जाएंगी नृत्यांगना हो जाएंगी आंसर क्या लगाओगे आप लोग ए लगाओगे बहुत बढ़िया एकदम शानदार एकदम शानदार तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी लोग एक बार क्या कर दो बाबू सेशन को शेयर कर दो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा ठीक है अब ये देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य कौन-कौन से हैं और नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन-कौन से हैं मेजोरम के कौन-कौन से हैं मेघालय के कौन-कौन से हैं झारखंड के कौन-कौन से हैं पश्चिम बंगाल और आपका हरियाणा और आपका सिक्किम और आपका लक्षद्वीप ये हमने वो राज्य यहाँ पे रखे हैं जिनके आप लोग नॉर्मल पढ़ते नहीं हो जिन जिन राज्यों के डांसों को आप लोग याद नहीं करते हो और वही हमसे पूछ पूछे जाए तो बस मैं कहते दांत निकाल लेता भाई साहब आई नहीं रहा फिर ऐसे करता भाई साहब ऐसी हरकतें करता भाई साहब फिर दांत निकाल के बैठ जाएगा अब क्या करें यहां से पढ़ लो तो दांत नहीं निकालने पड़ेंगे ये सोच लो भाई साहब ठीक है बहुत बढ़िया हाँ जी प्रणाम भाई सभी को सभी को प्रणाम सभी को राधे राधे सभी को राम राम है ना चलो जी आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट तो निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनु अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है कौन सा क्रांतिकारी संगठन कौन सा क्रांतिकारी संगठन अलुसिनल समिति से संबंधित नहीं मतलब इसमें से कौन सा क्रांतिकारी व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्ति का पूछा गया है हमसे राजेंद्र नाथ या बरेंद्र नाथ या फिर कौन हो जतेंद्र नाथ कौन हो जाएगा जतेंद्र तो आंसर क्या लगाओगे राजेंद्र लहड़ी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये भाई का कांकोरी कांड से संबंधित था किससे कांकोरी ये किससे कांकोरी कांड से संबंधित था ये भी आपको नोट करना है ये किससे संबंधित था कांकुरी कांड से संबंधित था और कांकोरी कांड या काकोरी क्रांति कब का हुई थी तो 9 अगस्त 1925 में 9 अगस्त 1925 में क्या होती है कांकुरी क्रांति होती है यह भी आपको नोट करना है आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी को उन्नीस में फांसी की सजा दी गई थी कहाँ पे दी गई थी तो भाई आपका गोंडा जेल में कहाँ पे गोंडा जेल में इनको क्या दी गई थी फांसी की सजा दी गई थी क्या दी गई थी फांसी की सजा दी गई थी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा नेक्स्ट भारतीय भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक का का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या हो जाएगा लोगो हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हो जाएगा बाबू तो आप कहोगे ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो हो जाएगा इसमें कौन सा पेड़ है ये भी हमसे कई कई बार पूछा गया है तो आप कहोगे का पेड़ हो जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाल्म का पेड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं पालम का पेड़ भी बोलते हैं ये भी आपको नोट करना है ठीक है भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में है लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी जब इसकी स्थापना हुई थी स्थापना इस तो इसकी स्थापना कब हुई थी वो हुई थी एक अप्रैल उन्नीस में एक अप्रैल उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कहाँ पे कलकत्ता में कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था फिर कलकत्ता के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बंबई में बनवाया गया कहाँ पे बन बम्बई में बनवाया गया और वो कब बनवाया गया था 1937 में बनवाया गया था फिर इसका क्या हुआ एक जनवरी को कब एक जनवरी उन्नीस में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ यह भी आपको क्या करना है नोट करना है समझ गए बात को ठीक है भाई आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है या किसने लिखा है मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किसने लिखा है ये आपको बताना है जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसको, इसको, इसमें किसका वर्णन मिलता है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है ये भी आपको नोट करना है चंद्रगुप्त मौर्य और इसके साथ साथ घनानंद का वर्णन मिलता है घनानंद का वर्णन मिलता है ये भी आपको नोट करना है जो घनानंद है ये क्या हो जाएगा ये नंदवंश का ये नंद वंश का नंद नंदवंश का क्या हो जाएगा अंतिम शासक हो जाएगा तो नंद वंश की स्थापना किसने थी की थी महापदम नंद ने महापदम पदम, महा पदम, पदम नंद ने की थी नंद वंश की स्थापना किसने की थी महापदम नंद ने की थी और इसको हम लोग क्या बोलते हैं महाछत्रांतक बोलते हैं महा छत्रांतक बोलते हैं इसको हम लोग क्या हैं? बोलते हैं महा बोलते हैं किसको महापदम नंद को बोलते हैं महापदम नंद ने क्या किया था कलिंग नहर बनवाई थी क्या बनवाई थी कलिंग कलिंग नहर बनवाई थी कलिंग नहर बनवाई थी और इस नहर के बारे में हमें कैसे पता चला हाथी गुफा अभिलेख से हाथी गुफा अभिलेख से पता चला हाथी गुफा अभिलेख हमें कहां से मिला कलिंग से मिला कहां से मिला कलिंग से मिला ये कलिंग किसका पुराना नाम है तो उड़ीसा का पुराना नाम है किसका उड़ीसा का पुराना नाम है ये भी आपको नोट करना है ठीक है भाई समझ गए बात को चलो जी आगे बढ़ते हैं तो मुद्रा राक्षस के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बारे में बताया गया है और समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है भाई निम्न कुल का बताया गया है निम्नकुल मतलब ये क्या था एक भ्रसल व्यक्ति था भ्रसल भ्रसल है ना भ्रसल का मतलब होता है निम्नकुल में पैदा होने वाला भ्रसल भ्रसल ब्रसल बताया गया है चंद्रगुप्त तो मौर्य को क्या बताया गया है ब्रसल बताया गया है जो मतलब निम्न कुल में जो पैदा नहीं होते बच्चे उसका उसकी संज्ञा दी गई है किसको चंद्रगुप्त तो मौर्य को और ये किसने लिखी है ये लिखी है किसने विशाख दत्त ने लिखी है किसने विशाख दत्त ने लिखी है ये भी आपको नोट करना है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोमदेव ने क्या लिखा है तो कथा सागर सरित सागर कहना कथा सरित सागर कथा सरित सागर किसने लिखी है तो सोमदेव ने लिखी है किसने सोमदेव ने लिखी है राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा क्या जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो अब देखो कुछ आपकी किताबें हैं और उनके क्या हैं लेखक भी हैं ये पुस्तकें हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगे लेखक हो जाएंगे जैसे मेघदूत के के लेखक कालिदास है ना नारायण पंडित मुद्रा राक्षस के भाई विशाख दत्त कामसूत्र के वात्स्यायन और राज तरंगणी के कल्याण यही हमसे किताबें पूछी जाती हैं बार बार यही हमसे किताबें पूछी जा रही हैं बार बार और तुम कहते हो भाई साहब भारत की इनमें से कौन सी नदी பூர்வசே पश्चिम की ओर बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो जैसे हमने बोली ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा दक्षिण भारत हो जाएगा तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी पश्चिम दिशा हो जाएगी क्या हो जाएगी ये पश्चिम दिशा हो जाएगी और ये कौन सी दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा हो जाएगी तो पूर्व से पश्चिम की ओर आती है कहाँ की ओर आती है पश्चिम की ओर आती है ऐसी कौन सी नदी हो जाएगी ऐसी केवल और केवल नर्मदा है नर्मदा नदी कौन सी नर्मदा नदी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम की जीवन रेखा बोलते हैं क्या बोलते हैं एम की जीवन रेखा बोलते हैं इसकी लंबाई कितनी है बारह सौ

आंसर क्या लगाओगे सी लगाओगे क्या लगाओगे सी लगाओगे नेक्स्ट तो अब देखो जैसे कि हमने कहा ये हमारी क्या हो जाएंगी नदियां हो जाएंगी ये हमारी नदी हो जाएगी तो ये प्रारंभिक स्थान के वो नदी कहां से निकल रही है और ये कहां पे गिर रही है, और ये ये उनकी कुल लंबाई हो हो जाएगी और ये उस नदी पर स्थित प्रमुख शहर हो जाएगा जैसे हम किसी का उदाहरण ना लें हम केवल नर्मदा का लेते हैं नर्मदा नर्मदा जो नदी है वो कहां से निकलती है अमरकंटक से निकलती है कहा गिर जाती है खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है इसकी लंबाई कितनी है तेरह सौ किलोमीटर की लंबाई है और इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है जबलपुर शहर बसा हुआ है तो इसी प्रकार से आपको छिपरा नदी पढ़नी है महानदी पढ़नी है तापती नदी पढ़नी है ताप्ती नदी 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 पढ़नी 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 है, है ना? कही ना कही रिलेट, है, है चंबल और सोन ना? ना कहीं कहीं ये प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था ये आपसे क्वेश्चन आयोग के बारे में पता होना तो चाहिए तो चुनाव आयोग क्वेश्चन पूछा जाएगा चुनाव चुनाव आयोग क्वेश्चन पूछा जाएगा चुनाव आयोग है ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चुनाव आयोग है चुनाव आयोग की स्थापना कब जनवरी पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ पचास में क्या हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जब पच्चीस जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना होती है तो पच्चीस जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदान दिवस राष्ट्रीय मत दान दिवस मनाते हैं यह भी आपको नोट करना है पच्चीस जनवरी को जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी तो चुनाव आयोग का क्या होगा एक हेड होगा तो इसका पहला अध्यक्ष कौन बनाया गया था पहला अध्यक्ष पहला अध्यक्ष बनाया गया था सुकुमार सेन कौन सु कुमार सेन बनाया गया था सुकुमार सेन बनाया गया था अब जब सुकुमार सेन बनाया गया था तो ये कब बनाए गए थे ये आपका 1951 में बनाए गए थे और ये उन्नीस तक रहे थे कब तक उन्नीस तक रहे थे तो उत्तर तो क्या आ जाएगा सुकुमार सेन आ जाएगा ठीक है भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा चुनाव आयोग का जो हेड होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है उसकी नियुक्ति उसकी नियुक्ति कौन करता है तो आप कहोगे भारत का राष्ट्रपति करता है कौन करता है भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति क्या करता है उसकी नियुक्ति करता है ये भी आपको क्या करना है पॉइंट याद करना है फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका चुनाव आयोग का जो भाई कहीं ना कहीं अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल कितना होता है तो आप कहोगे या तो वो छह वर्ष पूरे कर ले या अपने पैंसठ वर्ष पूरे कर ले या तो वो अपने छह वर्ष पूरे कर ले या अपने वो पैंसठ वर्ष पूरे कर ले फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा चुनाव आयोग का जो अन्य सदस्य होता है अन्य अन्य सदस्य होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है तो उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है तो या तो वो अपने छह वर्ष पूरे कर ले या वो अपने बासठ वर्ष पूरे कर ले ये हो जाएगा किसका अन्य सदस्य का टाइम पीरियड या तो वो छह वर्ष पूरे कर ले या फिर वो अपने बासठ वर्ष पूरे कर ले ये अन्य सदस्य का टाइम पीरियड है या तो वो छह

पंद्रह मई दो हज़ार बाईस में पंद्रह मई दो हज़ार बाईस में राजीव कुमार को बनाया गया था ये भी आपको नोट करना है क्वेश्चन पूछा जाएगा जो चुनाव आयोग है चुनाव आयोग की पहली महिला कौन थी पहली महिला चुनाव आयोग की पहली महिला हेड कौन बनी है चुनाव आयोग की पहली महिला हेड कौन बनी है तो आप कहोगे चुनाव आयोग की पहली महिला हेड बनी है कौन पी एस रामा देवी इनको कब बनाया गया था इनको नवंबर नवंबर उन्नीस इनको कब बनाया गया था नवंबर नवंबर 1990 से लेकर इनको दिसंबर कब दिसंबर 1990 तक बनाया गया था दिसंबर 1990 तक इनको क्या बनाया गया था चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था यह भी आपको नोट करना है ये चुनाव आयोग की क्या हो जाएगी पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी ये चुनाव आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई ए लगाओगे क्या लगाओगे ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है तो जो लंदन है वो आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है किसके टेम्स नदी के किनारे है ये इसी को हम लोग इंग्लिश में थेम्स नदी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी को इंग्लिश में हम लोग थेम्स नदी बोल देते हैं ठीक है भाई तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चलो जी अच्छा है लेकिन आपका लंदन तो थेम्स नदी के किनारे स्थित हो जाएगा लेकिन रोम किस नदी के किनारे स्थित थे टाइवर नदी के किनारे स्थित थे किसके टाइवर नदी के किनारे स्थित है ये भी आपको क्या करना है नोट करना है इसके साथ साथ जो बोलगा है उस, जो सॉरी मॉन्ट्रियल है ये किसके बोलगा नदी के किनारे स्थित थे, है ठीक है भाई जो कोलोन है ये आपका साइन नदी के किनारे है जो मॉस्को है ये आपका मस्कोवा नदी के किनारे स्थित है यह भी आपको नोट करना है जो न्यूयॉर्क है यह आपका हड़सन नदी के किनारे किसके हडसन नदी के किनारे स्थित है बहुत हमसे पॉइंट पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है बहुत अच्छा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो जल्दी से आप लोग बता दो भाई तो माउंट एटना या माउंट ब्लैक या फिर आपका कोटोपैक्शी या फिर माउंट वेशु BS. कौन सा ज्वालामुखी नहीं है ये आपको बताना है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जल्दी से आप लोग क्या बताएं इसका आंसर बताएं जल्दी से आप लोग क्या बताएं इसका आंसर बताएं तो भाई माउंट ब्लैक ये क्या है कोई भी ज्वालामुखी का नाम नहीं है माउंट ब्लैक कोई भी ज्वालामुखी का नाम नहीं है लेकिन जो आपके प्रमुख ज्वालामुखी है वो ये हो जाएंगे प्रमुख जो ज्वालामुखी है वो आपके ये हो जाएंगे जैसे कि हमने बोल दिया माउंट सिनेबंग ये आपका कहां का ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी हो जाएगा ठीक है भाई माउंट रोंग ये आपका कहां का इंडोनेशिया का ज्वालामुखी हो जाएगा जो आपका आपकाग ये क्या हो जाएगा एक ज्वालामुखी हो जाएगा जो कि कहाँ पे है और दक्षिण में है कहाँ पे दक्षिण में है यानी दक्षिण के पेरू में है साउथ अमेरिका में ठीक है भाई तो ये हमारे क्या हो जाएंगे प्रमुख ज्वालामुखी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे प्रमुख ज्वालामुखी हो जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं हां जी बहुत बढ़िया हाँ जी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूरोप का व्यस्ततम समुद्री वंदरगाह कौन सा है यूरोप का व्यस्ततम समुद्री वंदरगाह कौन सा है तो लेहार लेहावरे या एंटवर्प या फिर आपका रोटरडम या फिर आपका कौन सा हो जाएगा साउथ थम्पटन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से आप लोग क्या करो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर का क्या करेंगे आप लोग ठीक है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं लो भाई साहब आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय इनमें से किसने दिया जिसने दिया जाता है ये आपसे क्वेश्चन भारतीय डिजाइन का भारतीय झंडे का डिजाइन का श्रेय किसको दिया जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हम बने तुम बने एक दूज के लिए चलो भाई कह रहा पिंगली पिंगली बैंक याना बहुत बढ़िया सही उत्तर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो आपका ध्वज है ये जो आपका ध्वज है ये किसने बनाया तो आपको होगी पिंगली बैंकया ने बनाया इसको सबसे पहले कांग्रेस में कांग्रेस में किसने अपनाया कांग्रेस में कांग्रेस में किसने अपनाया तो आप कहोगे इसको कांग्रेस में अपनाया भाई 1917 में अपनाया गया था और किसने एनी बेसेंट ने अपनाया किसने एनी बेसेंट की अध्यक्षता में अपनाया गया था इसको फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारतीय ध्वज है इसको रावी नदी के किनारे रावी नदी के किनारे अर्धरात्रि में किसने फहराया था अर्धरात्रि में बारह बजे किसने फहराया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था और वो भी लाहौर अधिवेशन में किसने लाहौर अधिवेशन में फहराया था कब फहराया था इकतीस दिसंबर को कब इकतीस दिसंबर उन्नीस में फहराया

इसका जो केसरिया रंग है जो आपका केसरिया है केसरिया है जो आपका केसरिया रंग है ये क्या प्रदर्शित करता है जो श्वेत रंग है ये क्या प्रदर्शित करता है श्वेत रंग है ये क्या प्रदर्शित करता है जो हरा रंग है ये क्या प्रदर्शित करता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग का क्या प्रतीक होता है तो इसमें जो केसरिया रंग है ये बलिदान का प्रतीक होता है किसका बलिदान दान का प्रतीक होता है जो रंग है ये शांति का प्रतीक होता है शांति का, है? जो हरा रंग है ये का, है, का क्या देता है हमें क्षमता देता है और वर्क करने के लिए क्या करता है प्रेरणा देता है क्या करता है प्रेरणा देता है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो झंडा है इसको संविधान सभा में कब अपनाया गया था संविधान सभा में इसको संविधान सभा में कब अपनाया गया था तो आप कहोगे इसको बाईस जुलाई को बाईस जुलाई बाईस जुलाई उन्नीस को इसमें क्या किया गया था इसको संविधान सभा में अपनाया गया था। ये भी आपको क्या करना है नोट करना है तो ये वो पॉइंट है जो आपके हमेशा पूछे ही जाते हैं आंसर क्या लगाओगे ए लगाओगे आप लोग आंसर क्या लगाओगे ए लगाओ दैट इज क्लियर बहुत बढ़िया हाँ जी निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है इनमें से कौन सा घास का मैदान नहीं है तो भाई फैन नहीं है कौन सा फैन ये नहीं है जो सवाना घास का मैदान है ये कहाँ पे है अफ्रीका में है कहाँ पे है अफ्रीका में क्या हो जाएगा सवाना घास का मैदान हो जाएगा प्रेयरी घास का मैदान कहां पे हो जाएगा ये नॉर्थ अमेरिका में है कहां पे है नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा स्टेपी कहां पे है एशिया में है कहां पे है एशिया महाद्वीप में हो जाएगा एशिया महाद्वीप में आपका स्टेपी घास का मैदान हो जाएगा तो आंसर क्या लगाओगे वी लगाओगे क्या लगाओगे वी लगाओगे ठीक है भाई साहब आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा नेक्स्ट दिस इज लास्ट क्वेश्चन ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका क्या है होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका क्या है है होमवर्क क्वेश्चन किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं बकाया आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी है ना बकाया आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी भाई ठीक है किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं बताओ भाई किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं बकाया आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे कुछ बच्चों का तो गलत आंसर आ रहा है है ना कुछ बच्चों का तो गलत आंसर आ रहा है लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आप इसके ऊपर मंथन कर सको इसके ऊपर अपना टाइम थोड़ा सा दो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करो आप लोग इसके बारे में सर्च करो आखिर इसका आंसर क्या होगा जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन जिसको नहीं आ रहा है भाई वो सर्च करो ये क्वेश्चन जब सर्च करोगे तो उसके नीचे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने का किसी को मना किया है पढ़ने को भाई पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ एक नई नई चीजों का नॉलेज होता जाएगा आपको है ना बहुत बढ़िया तो इसी प्रकार से आज का जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा बकाया सेशन आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप सभी को जरूर बताना है सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो और जो भी आपके साथी भाई बंधु मित्र यार हैं उनको आप लोग जरूर बुला लेंगे तो बकाया आज के लिए बस इतना ही बकाया हम लोग कल पढ़ेंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे कल फिर से जा आ जाएंगे दस बजे तो सभी साथियों को फिर से एक बार जय हिंद हमें कलम से क्रांति जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर